मोरारी जी देसाई की पुण्यतिथि है। वो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे देश में, मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। आज मौलश्री के पौधे को मैंने लगाया है। अभी 11 बजे एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक मैं क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स के साथ वल्लभ भवन में करने जा रहा हूँ, कोविड से संबंधित मुद्दों पर उनसे मैं चर्चा करूँगा। जिस हिसाब से संक्रमण बढ़ रहा है, इस महीने के अंत तक एक्टिव केस बढ़ने की संभावना लगभग 1 लाख के आसपास है। हम बीच में रोकने की कोशिश करेंगे उसको, इसलिए कुछ जगह लॉकडाउन और बाकी प्रक्रियाएं प्रारंभ की है, लेकिन मैं जनता जनार्दन से अपील करना चाहता हूं कि संक्रमण की बढ़ती दर को रोकना है तो कृपया करके अनावश्यक रूप से घरों से ना निकलें, मास्क जरूर लगाएं, सुरक्षित दूरी बनाएं, हाथ साफ रखें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य कोविड के संक्रमण से बचने का व्यवहार अगर हम करेंगे तो सुरक्षित रहेगा। अस्पतालों में बिस्तर बढ़ने का क्रम जारी है। हम लोगों ने बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए कोविड केयर सेंटर हर जिले में एक खोलने का फैसला किया है। भोपाल इंदौर में बड़े सरकारी भवनों में कहाँ कहाँ हम सेंटर बना सकते हैं उस पर एक टीम काम कर रही है। ACS राजौरा उसको देख रहे हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से बनी रहे, मैं बताना चाहता हूं कि हमें 3 दिन पहले 60 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्राप्त हो रही थी, लेकिन हमने चर्चा की केंद्र सरकार से, हमको ऑक्सीजन मुख्यतः गुजरात और उत्तर प्रदेश से, थोड़ी सी महाराष्ट्र से प्राप्त होती है। अब भिलाई स्टील प्लांट से भी अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलना प्रारंभ हो गई है। वर्तमान में पर्याप्त उपलब्धता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर पूरी नज़र रखी जा रही है, एक कमेटी उसके लिए बनाई है। कल जहाँ 3 दिन पहले 60 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हमें प्राप्त हो रही थी, वहाँ कल 180 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हमको प्राप्त हुई है। इतना जरूर है कि जब कोई खबर ऐसी फैलती है कि कमी है तो उसका भंडारण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। मैं अपील करता हूं कि हम ऑक्सीजन की कमी नहीं आने देंगे, हर संभव हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता हो वो उतनी ऑक्सीजन मांगे, ताकि अनावश्यक रूप से भंडारण की प्रवृत्ति ना बढ़े, नहीं तो कृत्रिम फिर कभी पैदा करने की कोशिश होती है। जहां तक इंजेक्शन का सवाल है, हमने 1 लाख इंजेक्शन के ऑर्डर्स दिए हैं, आपूर्ति प्रारंभ हो गई है। परसों 2000 मिल गए थे, आज फिर मिलेंगे, उसके लिए हम टेंडर भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तो हमने क्योंकि जल्दी चाहिए थे तो कुछ आदेश ऑर्डर सीधे कर दिए, तो इंजेक्शन भी प्राप्त होना प्रारंभ हो गए हैं। इंजेक्शन का भी प्रोटोकॉल है, किसको लगना है किसको नहीं लगना, तो डॉक्टर्स उस प्रोटोकॉल को पालन करते हुए ही जिस पेशेंट्स को जरूरी है इंजेक्शन लगाएंगे, जरूर लगाएं, पर वो भी हम लगातार कोशिश करेंगे। प्राइवेट को भी हमने टाई अप करवाया कंपनी के साथ, ये तो सरकारी क्षेत्र में मंगा रहे हैं हम, लेकिन प्राइवेट क्षेत्र में भी मिलते रहें उसके लिए भी कंपनी से टाई अप करवाया है। जो बेहतर व्यवस्था हो सकती है, बेहतर से बेहतर, क्योंकि परिस्थितियां तो
जैसी है वो पहले हमने कभी देखी नहीं है, लेकिन हम कोई कसर इससे निपटने में नहीं सोचेंगे। वेंटिलेटर की भी हम अतिरिक्त व्यवस्था कर रहे हैं, अभी भारत सरकार से इसी सप्ताह 350 वेंटिलेटर हमको और मिल जाएंगे, और जो बेहतर से बेहतर संभव है वो करेंगे। लोग चिंता ना करें, बस सहयोग करें, संक्रमण फैलना से रोकना ये सबसे बड़ा सहयोग है, अपने आप को सुरक्षित रखना ये सबसे बड़ा सहयोग है। आप बीमार ना हो, बाकी हम निपटेंगे, और बीमार ना हो इसलिए अनावश्यक घर से ना निकलें, भीड़ में ना जाएं, मास्क जाएं तो जरूर लगाएं और दूरी बनाए रखें। धन्यवाद।